2 फेब्रुवारी हा दिवस जागतिक पांथळ दिवस म्हणून साजरा केला जातो. 7 महाराष्ट्रीय बटालियन NCC नाशिक यांच्या वतीनं पुनीत सागर अभियान सरदवाडी डॅम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलं होतं. गुरुवर्य मामासाहेब दांडेकर कला भगवंतराव वाजे वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालयामध्ये सिन्नर या ठिकाणी राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या वतीनं अभियान संपन्न झालं. या दिनातून युवकांमध्ये जलस्रोत स्वच्छता, परिसंस्थेची काळजी, पर्यावरणाचे महत्व आणि पृथ्वीच्या मातृभूमीच्या स्वच्छतेची जबाबदारी यातून वृद्धिंगन होते. 7 महाराष्ट्र बटालियन NCCचे नाशिक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल तरुण खन्ना, ॲडमिन ऑफिसर लेफ्टनंट कर्नल रवी व्यास, NCC ऑफिसर लेफ्टनंट संदीप भिसे, PI स्टाफ आणि गुरुवर्य मामासाहेब दांडेकर कला भगवंतराव वाजे वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय सिन्नर यांचे प्राचार्य डॉक्टर PV रसाळ सर, उपप्राचार्य RV पवार यांनी कार्यक्रमासाठी मार्गदर्शन केलं. NCC छात्रांच्या मदतीनं 2 क्विंटलपेक्षाही अधिक प्लॅस्टिक सरदवाडी डॅम या जलस्रोतापासून जमा करण्यात आलं. जमा केलेला कचरा सिन्नर नगर परिषदेच्या आरोग्य विभागाद्वारे कचरा संकलन करणाऱ्या गाडीमध्ये जमा करण्यात आला. NCC ऑफिसर लेफ्टनंट संदीप भिसे, ज्युनियर अंडर ऑफिसर प्रणिता कांसवे, ज्युनियर अंडर ऑफिसर रोशन खुले आणि इतर छात्र या मोहिमेमध्ये सहभागी होऊन युवकांमध्ये राष्ट्र स्वच्छता जनजागृती हा संदेश या कार्यातून देण्यात आला. प्रदूषणमुक्त जलस्रोत प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी हा संदेश राष्ट्रीय छात्र सेना या जागतिक पांथळ दिनानिमित्त देत आहे. मैं जूनियर अंडर ऑफिसर प्रणीता गांजवे. आज विश्व भर में वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जा रहा है. इसी अवसर पर 7 महाराष्ट्र बटालियन से GMD कॉलेज के छात्र सेना के छात्र पुनीत सागर अभियान के द्वारा सरदवाड़ी डैम पर जल के पास की स्वच्छता करने के लिए उपस्थित हैं. हमने लगभग जल के पास के सभी कचरा, प्लास्टिक और कूड़ा इकट्ठा किया है, जो लगभग 2 क्विंटल तक है. इस वर्ल्ड वेटलैंड डे के माध्यम से मैं सभी राष्ट्र सेना द्वारा सभी युवाओं को यह संदेश देना चाहूँगी कि वो जहाँ पर भी घूमने जाए तथा कोई भी परिसर हो वहाँ पर कचरा ना करें और इसी मार्फत देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दें. जय हिंद. पुनीत सागर अभियान इस स्थान पर आज संपन्न हो रहा. आज पूरे विश्व में जागतिक पांथल दिन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मना रहा है और इसी दिन के अवसर पर जो भी हमारे जल स्रोत है वो प्लास्टिक या कूड़ा से स्वच्छ रहे, दूर रहे. हम सब छात्र की और सारे युवा की ये जिम्मेदारी है कि वो जहाँ पर भी जाते वो इलाका स्वच्छ रखे, कहाँ पर भी कचरा ना डाले. वेद न्यूज़ साठी प्रतिनिधि दीपक जगताप सिन्नर.